वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स को कवर किया था। इफ इफ एल्स एलिफ फॉर लूप और व्हाइल लूप, साथ साथ में हमने ब्रेक कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट क्या होती है इनको भी देखा था। विद एग्जाम्पल हमने वहां पे इनको कवर किया था एंड रेंज फंक्शन क्या होता है, क्या कैसे काम करता है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे कि आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन ए पाइथन प्रोग्राम ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम फ्लो ऑफ कंट्रोल हमने किया है ना, फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि एक कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम, डिक्टेट्स व्हाट हैपेंस बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड आफ्टर इट टर्मिनेट्स, डिफाइंस प्रोग्राम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स, मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर्स। देखो, जैसे ही हमने थ्योरी की क्लास कवर की, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अब उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि ये जो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको अब मुझे यहाँ पे आपको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम थ्योरी में ये सब पढ़ के आए हैं कि ये सब क्या होता है, तो आपको डायरेक्टली क्या पता है, इसका आंसर पता होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा कि जो थ्योरी वाले आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे वो मुझे यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कल ही इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। लेकिन जो आपके कोडिंग के आपके प्रोग्राम आएंगे उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन ए, डायरेक्ट सी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम। एन एम्प्टी और नल स्टेटमेंट इन पाइथन इज गो पास ओवर सेमीकोलन। तो ये भी मैंने आपको कल बताया था कि नल स्टेटमेंट या एम्प्टी स्टेटमेंट है वो आप किससे क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप पास स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हो। The order of statement execution in the form of top to bottom is known as selection, repetitive sequence or flow. Top to bottom क्या है, आपकी statement क्या हो रही है, execute हो रही है, तो मतलब क्या हो रही है, ये एक sequence में execute हो रही है, तो option C यहाँ पे correct रहेगा। Next question देखिए, the fill in the blank construct allows to choose statements to be executed depending upon the result of a condition. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन के बेस्ड पे क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट रहेगा, सिलेक्शन, रिपीटेशन, सीक्वेंस या फ्लो, तो यहाँ पे सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका, द कंस्ट्रक्ट रिपीट्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और एज एनजी एज ए कंडीशन इज ट्रू। और आपकी कोई भी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक आपकी स्टेटमेंट्स क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, मतलब की रिपीटेशन। Which of the following statement will make a selection construct? If else for while या both A and B? Selection construct में क्या आती है? If आता है, if else आता है और elif आता है, तो मतलब यहाँ पे आपका option E correct है। Which of the following statements will make a repetition construct? Repetition में कौन से आते हैं? For आता है और while loop आता है, तो यहाँ पे आपका option E correct रहेगा, both C and D। In Python, which of the following will create a block in a compound statement? Colon, statements indented at a lower same level, indentation in any form or curly brackets. देखो, colon नहीं होता है, ठीक है, colon आप अपने if statement के बाहर या फिर loop statement के बाहर last में लगाते हो, लेकिन curly brackets यहाँ पे use ही नहीं होती है। अब हमें पता है कि आपको ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पे ब्लॉक के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इंडेंटेशन के आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट है यहाँ पे इंडेंटेशन इन एनी फॉर्म या फिर इंडेंटेड एट ए लोअर सेम लेवल। तो देखिए, मैंने आपको बताया है, मान लीजिए ये आपकी इफ स्टेटमेंट है, तो एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं उनका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट्स इंडेंटेड एट ए लोअर सेम लेवल, ठीक है। What signifies the end of a statement block or switch in Python? A comment, curly brackets close and a line that is indented less than the previous line. अब यहाँ पे आपका जो आपका block है वो खत्म हो गया है, end हो गया है, कैसे पता चलेगा, तो ये आपका एक if statement है, यहाँ पे हमने three statements लिख दी, ठीक है, और fourth statement आपने क्या किया, यहाँ से start किया है।
तो इस फोर्थ स्टेटमेंट का जो इंडेंटेशन है वो इन थ्री स्टेटमेंट से अलग होगा, है ना। तो इसी से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इफ ब्लॉक में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी करेक्ट रहेगा, अ लाइन दैट इज इंडेंटेड लेस देन द प्रीवियस लाइन। Which one of the following if statement will not execute successfully? मतलब कि successfully execute नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए if 1, 2, colon, print 4। तो यहाँ पे ये correct है, syntax भी correct है और indentation level भी यहाँ पे ठीक है। Second option में क्या कह रहा है कि if 1, 2, तो यहाँ पे colon missing है, तो मतलब option B आपका execute नहीं होगा, इसमें error आएगा। C option देखिए if 1, 2, colon, print 4। यहाँ पे आपका सिंटेक्स तो करेक्ट है लेकिन इंडेंटेशन लेवल गलत है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बी और सी आपके यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। डी ऑप्शन चेक करिए इफ 1, colon, print 4। तो यहाँ पे आपका सिंटेक्स भी ठीक है, इंडेंटेशन लेवल भी ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड सी आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर है। What does the following Python program display? Speed थोड़ी fast है मेरी, क्योंकि आप easily समझ के आए हो कि ये सब चीजें क्या होती है and इतना मुश्किल भी नहीं है ये topic, ठीक है। तो इसीलिए speed क्या रहेगी, थोड़ी सी मेरी fast ही है। X is equals to 3 if X is equals to equals to 8 colon print am I here and L if X is equals to equals to 3 print else colon pass print or over here। तो क्या print होके आएगा इस program में आपको ये बताना है। ये आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले देखिए कि x इज इक्वल्स टू 3, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है। इफ x इज इक्वल्स टू 8, तो पहली बात क्या 3 8 के इक्वल है, नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एम आई हेयर ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये एम आई हेयर ये भी गलत हो गया, जहां जहां पे भी एम आई हेयर है वो क्या हो गए आपके, गलत हो गए, है ना। अगला देखिए, अब इफ के बाद इसने एलिफ को चूज किया, एलिफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 3 के इक्वल है ना, तो मतलब ये प्रिंट होगा और हियर, क्या प्रिंट होगा आपका और हियर। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे और हियर, यहाँ साइड में मैं आउटपुट लिख देती हूँ। उसके बाद एल्स ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि एलिफ वाली कंडीशन ट्रू है, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये पास जो स्टेटमेंट है वो एल्स के ब्लॉक में ही बिलोंग कर रही है। अब बाहर आ गए आप, बाहर आपको एक स्टेटमेंट और मिली प्रिंट और ओवर हियर, तो ये भी साथ में प्रिंट होगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट ना ही इफ में बिलोंग करती है, ना एलिफ में, ना एल्स में, ये प्रिंट आपकी अलग से मेंशन की गई है। तो इफ एलिफ एल्स इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती उसके बाद ये तो एग्जीक्यूट होनी ही थी, ठीक है। तो और हियर और ओवर हियर, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द यूजर इनपुट्स 2 व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट प्रिंट। एक्स इज इक्वल्स टू फ्लॉट इनपुट फंक्शन इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 कॉलन प्रिंट यस एलिफ यहाँ पे है, फिर एल्स दिया हुआ है, यस नो मे बी नथिंग इज प्रिंटेड। तो यहाँ पे देखिए आपको यूजर इनपुट देनी है क्या, 2 यहाँ पे आपको यूजर इनपुट देनी है। इफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्लॉट इनपुट 2, तो यहाँ पे इनपुट में आपने दे दिया 2 एंड ये 2 किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2.0 जाएगा। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो मतलब इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आएगा एलिफ पे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कॉलन, तो यहाँ पे देखिए क्या 2.0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी मे बी। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट होगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मे बी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको ये कोड गिवन है एंड आगे के जो आपके 63 से लेके 67 के क्वेश्चन है उन्हीं के लिए ये कोड एप्लीकेबल रहेगा। कोड में क्या कह रहा है, देखो ए आपने क्या किया, एक इनपुट करवा लिया, इंट में इनपुट हुआ है, तो मतलब यहाँ पे इंटीजर आया है, आएगा आपका, ठीक है। जो भी आप इनपुट करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने एक बी वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, मतलब इनपुट करवा लिया। उसके बाद चेक होगी कंडीशन, इफ यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तब आपका बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल्स है, एल्स के अंदर ए में इंक्रीमेंट हो रहा है,
उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो तो प्रिंट डब्ल्यू, एल इफ यहाँ पे प्रिंट एक्स, इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो कॉलन प्रिंट वाई, एल्स कॉलन प्रिंट जेड। तो ये क्या है आपका पूरा एक प्रोग्राम यहाँ पे गिवन है, अब आपको आउटपुट बतानी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि व्हाट लेटर्स विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर्स जीरो फॉर ए एंड जीरो फॉर बी। मतलब यहाँ पे हमने ए में क्या डाला है, जीरो एंटर किया है और बी में भी आपने जीरो एंटर किया है। इफ ए इज इक्वल्स टू, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो क्या जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। तो बी में क्या होना चाहिए, एक इंक्रीमेंट होना चाहिए, बी की वैल्यू क्या है जीरो, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया वन हो गया, ठीक है। अब एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस इफ कंडीशन के पास आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, देखो एंड ऑपरेटर लगा है इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू क्या है ऊपर देखो जीरो है, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल का सिंबल नहीं लगा है तो मतलब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे भी इक्वल का सिंबल नहीं है तो ये वाला पोर्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे आएंगे इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी की वैल्यू ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है तो मतलब वन हुआ है, तो वन इज ग्रेटर देन जीरो क्या प्रिंट होगा आपका वाई प्रिंट होगा, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी हो गया। समझ में आ गया ना कि कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे उसमें अलग इनपुट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार इसको हम रब कर देते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, स्पीड ज्यादा लगती है तो आप बता सकते हो, स्पीड ठीक लग रही है तो भी बता सकते हो, क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि व्हाट लेटर्स विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर 14A एंड 14B। अब यहाँ पे क्या इनपुट करवाना है आपको, ए में भी वन जाना है और बी में भी वन एंटर करवाया है। इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि क्या है वन इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गए तो ए में इंक्रीमेंट हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई अब टू हो गई। अब इस इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू क्या है टू इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन क्या है ट्रू, एंड बी की वैल्यू क्या है वन इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन भी क्या है ट्रू, मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एलिफ वाले पोर्शन को अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका प्रिंट ना इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन भी चेक होगी। देखो एलिफ वाला पोर्शन नहीं चेक होगा क्योंकि इफ और एलिफ में इफ वाला पोर्शन ट्रू हो गया है तो एलिफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन ये जो इफ है ये अलग से एक स्टेटमेंट मेंशन है, ये इफ इन स्टेटमेंट से बिलोंग नहीं कर रही है, ये इफ अलग है तो इसलिए ये कंडीशन भी एक बार चेक होगी। बी इज ग्रेटर देन जीरो तो मतलब वन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है तो वाई भी क्या होगा प्रिंट होगा। तो डब्ल्यू और वाई ये दो कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्रिंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट लेटर्स विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर 14A एंड -14B। अब इसको एक बार रब कर देते हैं, क्या एंटर करवाना है हमें, ए के लिए वन एंटर किया है हमने, उसके बाद बी के लिए हमने -1 एंटर किया है, तो कंडीशन देखिए वन इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन फॉल्स है, मतलब यहाँ पे ए में इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू क्या हो गई टू हो गई। अब यहाँ पे देखिए टू इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है, एंड -1 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स है, मतलब एलिफ वाले पोर्शन पे आएंगे। ए इज ग्रेटर देन जीरो तो टू इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट करवाएगा एक्स प्रिंट करवाएगा। इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, -1 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स है, तो मतलब एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, जेड प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपका कौन से दो कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, एक्स और जेड यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, यूजर एंटर कर रहा है 14A एंड 04B। इसको आप करके बताइएगा कि 66 और 67 के क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हो इन दोनों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वैल्यूज आर जनरेटेड व्हेन द फंक्शन रेंज 60-2 इज एग्जीक्यूटेड। अब मैंने आपको बताया था रेंज फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर पास होते हैं, उन पैरामीटर का क्या क्या मतलब होता है, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि रेंज फंक्शन है जिसमें हमने तीन पैरामीटर पास किए हैं, 6, 0, -2, क्या वैल्यू ये जनरेट करके देगा। तो अभी आपको पता है कि ये क्या करेगा, 6 से स्टार्ट करेगा, है ना, और यहाँ पे लास्ट क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 6 है, लास्ट वैल्यू इसकी 0 है, तो मतलब 0 से 1 कम प्रिंट करता है ना, लास्ट वैल्यू से 1 कम प्रिंट करेगा, मतलब कि 1 तक प्रिंट करके ये देगा। -2 का डिक्रीमेंट करना है आपको, तो मतलब क्या होगा, पहले 6 आएगा, 6 में 2 का डिक्रीमेंट, 4, 4 में 2 का डिक्रीमेंट कितना हो गया 2, एंड 2 में 2 का डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा 0, लेकिन ये लास्ट प्रिंट क्या कर सकता है 1, तो मतलब 6, 4, 2 ये क्या होगी, इसकी आउटपुट रहेगी, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड लूप इन पाइथन, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल या इफ एल्स। तो डू व्हाइल लूप इनवैलिड है यहाँ पे। फंक्शन रेंज 3 इज इक्विवेलेंट टू, अब ये फंक्शन है आपका रेंज 3, इसमें एक ही पैरामीटर पास हुआ है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपकी स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्टार्ट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है कोई 0, 3, ये भी करेक्ट है। अब एक बार इसका इंक्रीमेंट भी देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट इसका इंक्रीमेंट 1 होता है, तो 0, 3, 1 भी है यहाँ पे, तो ये भी है, तो मतलब ऑप्शन बी और सी आपका करेक्ट रहेगा। फंक्शन रेंज 3 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, अब ये रेंज 3 वाला जो फंक्शन है क्या आउटपुट प्रिंट करके देगा, तो हमने इसको अभी इसी तरह से कन्वर्ट किया है ना, 0, 3, 1, मतलब ये 0 से स्टार्ट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, लास्ट वैल्यू 3 से 1 कम प्रिंट करेगा, मतलब कि 2 तक, तो 0, 1, 2, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। फंक्शन रेंज 0, 5, 2 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये इसकी आउटपुट क्या आएगी 0, 5, 2 की। तो देखिए 0 आपके स्टार्टिंग वैल्यू है, 5 आपकी यहाँ पे लास्ट है, तो मतलब कि 5 -1 यहाँ पे 4 तक ही प्रिंट करेगा, 2 का आपको इंक्रीमेंट लेना है, तो कैसे होगा 0, 0 में 2 का इंक्रीमेंट क्या हो गया 2, 2 में 2 का इंक्रीमेंट क्या हो गया 4, 4 में 2 का इंक्रीमेंट 6, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 0, 2, 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फंक्शन रेंज 10, 5, -2 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, तो यहाँ पे देखिए आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है 10, लास्ट वैल्यू 5 -1 मतलब 4 रहेगी, एंड -2 का आपको क्या करना है यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है, तो देखिए 10, 10 में 2 का डिक्रीमेंट हुआ तो 8, 8 में 2 का डिक्रीमेंट हुआ तो 6, एंड 6 में 2 का डिक्रीमेंट हुआ तो 4, प्रिंट कहां तक कर सकता है ये आपका 4, तो लास्ट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 10, 8, 6, 4, एंड यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ऑप्शन में 4 कहीं पर भी मेंशन नहीं है, है ना, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आएगा 10, 8, 6, 4, तो ये वाला ऑप्शन एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा 10, 8, 6, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10, 5, 2 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, तो यहाँ पे देखिए 10 आपके स्टार्टिंग वैल्यू है, 5 यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, एंड 2 का इंक्रीमेंट है, अब 10 से इसने स्टार्ट किया, 10 में 2 का इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा 12, 14, इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये वाली सीक्वेंस कभी भी नहीं आ पाएगी, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज -5:print i, तो -5 आपको क्या दिया है, आपने यहाँ पे रेंज के अंदर आपने -5 डिफाइन किया है, तो हाउ मैनी टाइम्स विल दिस लूप रन, कितनी बार आपका ये लूप चलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको रेंज के अंदर -5 मेंशन है, मतलब कि आपकी जो स्टॉप वैल्यू है वो कितनी है, -5 है, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 0 है, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, तो 0 में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या हम -5 वाली सीरीज को ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो मतलब ये वाला लूप क्या करेगा, ये कोई एरर भी नहीं देगा, बट ये क्या करेगा, कोई आउटपुट आपको प्रिंट करके नहीं देता है, तो इसका मतलब ये लूप आपका चला ही नहीं, तो यहाँ पे 0 टाइम्स यहाँ पे हम इसका आंसर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर बिलो 4i इन रेंज 10, 5, -3, print i, हाउ मैनी टाइम्स विल दिस लूप रन, आपके स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, तो एक बार इसने क्या किया 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो ही जाएगा, हो गया 10 प्रिंट, अब आइट्रेशन यहाँ पे काउंट होगी, अब
इस टेन के लिए काउंट नहीं कर रहे, अब हम यहाँ पे आइट्रेशन काउंट करेंगे। तो देखिए टेन में से माइनस थ्री का डिक्रीमेंट करना है तो कितना आएगा, सेवन। तो एक बार आपका लूप यहाँ पे चल गया। फिर यहाँ पे सेवन में माइनस थ्री का डिक्रीमेंट होगा, कितना होगा, फोर। तो फोर देखिए लास्ट वैल्यू फाइव माइनस वन हो सकती है, मतलब फोर तक प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पे फोर भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो दो बार आपका लूप क्या हो गया, चल गया। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज थ्री पास। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पास करना है। देखो रेंज यहाँ पे थ्री है, मतलब कि यहाँ पे आप थ्री माइनस वन आपकी क्या रहेगी, लास्ट वैल्यू रहेगी जो प्रिंट हो सकती है टू। उसके अलावा स्टार्टिंग वैल्यू आपकी जीरो है, जीरो टू, और इंक्रीमेंट आपका वन का रहेगा। तो इस तरह से हमने इस रेंज फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब फोर आई इन रेंज थ्री, तो यहाँ पे फोर आई इन रेंज थ्री में देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। जैसे ही आई की वैल्यू जीरो हुई तो यहाँ पे देखिए पास हो गया। पास का मतलब क्या है, कोई भी स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब फिर से लूप चलेगा। अब आपकी वैल्यू क्या है, अब जीरो के बाद वन का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे जीरो हुआ। अब जीरो के बाद क्या हुआ, जीरो में वन इंक्रीमेंट हो गया। वन के बाद देखिए यहाँ पे पास हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, टू हो जाएगा। यहाँ पे जब आई की वैल्यू टू है फिर ये पास स्टेटमेंट देखेगा, मतलब कि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आई की वैल्यू क्या रही आपकी, टू रहेगी। अब आप इस लूप से बाहर आ गए एंड आई की फाइनल वैल्यू क्या है, आई की फाइनल वैल्यू है टू। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, आंसर हो जाएगा। कंसिडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज सेवन फोर माइनस टू ब्रेक, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर दिस लूप। अब यहाँ पे देखिए आपकी आई की वैल्यू क्या है, सेवन है ना। सेवन यहाँ पे आया, उसके बाद उसको क्या मिल गया, ब्रेक मिल गया। ब्रेक का मतलब क्या हुआ, वो लूप से ही बाहर आ गया। तो आई की वैल्यू सेवन थी जब वो लूप से बाहर आया, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऊपर पास थी, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई है। इन फोर ए इन फिल इन द ब्लैंक कोलन द ब्लैंक कैन बी फिल्ड विद। अब यहाँ पे ये देखो फोर लूप लगाया है, फोर ए इन ये एक स्टेटमेंट है आपकी। तो यहाँ पे इनके बाद क्या यूज कर सकते हो आप, एन आइटरेबल सीक्वेंस, अ रेंज फंक्शन, अ सिंगल वैल्यू, एन एक्सप्रेशन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप कोई सीक्वेंस भी यूज कर सकते हो और कोई रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द होल लूप एंड प्रोसीड टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पूरे लूप से बाहर आ जाओगे। इसमें ये आपका कौन सी स्टेटमेंट में होता है, पास, ब्रेक, कंटिन्यू या गो टू, तो ब्रेक स्टेटमेंट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल टर्मिनेट ओनली द करंट पास ऑफ द लूप एंड प्रोसीड विद द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप, पास, ब्रेक, कंटिन्यू या गो टू, तो ये कंटिन्यू में होता है। Which of the following are entry controlled loops? If else, for, while, both, C and D. तो entry controlled loop होते हैं आपके for और while. Option E correct है. Which of the following are jump statements? If, break, while, continue, both, B and D. तो jump statement कौन सी होती है आपकी, break और continue, jump statements में आती है, तो option E correct रहेगा. When the following code runs, how many times is the line executed? X is equals to 1 है देखिए, while x is less than 20 colon x is equals to x multiplied 2. Question पूछ रहा है कि ये जो x is equals to x multiplied 2 है, ये वाली line कितनी बार execute होगी? तो यहाँ पे x is equals to 1 है, सबसे पहली बात condition check होगी, 1 is less than 20, मतलब condition true है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, है ना। एक बार एग्जीक्यूट हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वन इंटू में टू, कितनी वैल्यू हो गई, टू। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी टू के लिए, टू इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, तो मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू इंटू में टू, मतलब की फोर हो गया, है ना। अब फोर के लिए चेक होगा, फोर इज लेस देन 20, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब क्या हो जाएगा, फोर इंटू में टू, मतलब कि एट हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब की बार एट इज लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो एक्स इज इक्वल्स टू एट मल्टीप्लाई में टू, मतलब 16। अभी अब चेक करेगा, 16 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, मतलब फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब x की वैल्यू कितनी है आपकी, 16 इंटू में 2, मतलब 32। कंडीशन चेक होगी, 32 इज लेस देन 20,
तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, 1 2 3 4, 4 times एग्जीक्यूट हुई है, तो मतलब ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेस्टेड लूप, यहाँ पे नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल बताना है। देखिए फॉर लूप, फिर उसके बाद फॉर लूप, ये फॉर लूप अलग है, ये फॉर लूप अलग है, तो ये नेस्टेड में नहीं आता, यहाँ पे दो फॉर लूप यूज हुए हैं। इस वाले ऑप्शन को देखिए, फॉर लूप लगा है यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर इस फॉर के अंदर फॉर लूप लगा है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन लेवल इक्वल है, तो इसका मतलब ये फॉर इसी ऊपर वाले फॉर में ही बिलोंग करता है, तो मतलब ये आपका नेस्टेड लूप है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फॉर लूप लगा, फिर यहाँ पे प्रिंट है, उसके बाद फिर से फॉर लूप लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, इंडेंटेशन लेवल इक्वल है, तो ये भी एक नेस्टेड लूप में ही आता है। डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इस फॉर लूप का और इस फॉर लूप का इंडेंटेशन लेवल अलग है, तो मतलब ये दो अलग अलग फॉर लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से करेक्ट हो गए, बोथ बी एंड सी। तो ये हमने कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे कवर किए, जिसमें आपके डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स और आपके रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के प्रैक्टिस के कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।